अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और जो भी आपका टाइम है जो अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह ताला आप सबको, आपके माँ बाप को, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। पहली बात तो माजत खाऊँ, काफ़ी टाइम से मतलब ये कि मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन नहीं हो रहा था, मतलब वीडियोज़ वगैरह नहीं आ रही थी। पहला ये तो है बताता चलूँ कि कॉज मेरी जो है यूएई की जो जॉब है वो मुझे कैंसिल करनी पड़ी थी। यूट्यूब फैमिली कैंसिल नहीं, मतलब कंपनी ने मुझे, मतलब ये है कि मैंने रिज़ाइन दिया था, बिकॉज उसमें मुझे ये हुआ था कंपनी ने एज ए सेफ्टी फीसर जो मुझे सैलरी बताई थी तो वो एक्सपेक्टेशंस एज पर दी जो है क्या बोलते हैं, जो मतलब मेरी कमिटमेंट थी या ऑफर लेटर पे जो मेंशन थी चीज़ें, वो एज़ पर दी रिक्वायरमेंट नहीं थी। और कंपनी का जब मैंने देखा कि कंपनी सैलरीज भी डिले कर रही है, तो इस वजह से मुझे कंपनी से रिज़ाइन देना पड़ा। और फिर ये कि मुझे थोड़ा ये क्या बोलते हैं उसको कंपनसेशन अमाउंट जो है वो भी नहीं मिली, जिसकी वजह से मतलब ये कि कंपनी के पास अथॉरिटी होती है कि अगर आप प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं करते तो कंपनी आपको है 4 से 6 महीने के लिए बैन कर सकती है। तो बैन नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं खुद एक एहतियातन जो है टाइम पूरा कर रहा हूँ। बहरहाल फर्दर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मेरी किसी और कंट्री में हो गई है, तो वो लेकिन ये कि किसी और ब्लॉग में जब तक एक चीज़ पूरी ना हो जाए तो अभी तक वहाँ के लिए लगा हूँ। तो आप लोगों से बस ये, इस वजह से मैं थोड़ा, एक मेरे कुछ थोड़े फैमिली प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से काफ़ी थोड़ा हार्ड टाइम गुजार रहा हूँ। दुआ कीजिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे, और वक्त और हालात सब पे आते हैं। ये कि मैं सब चीज़ों से थोड़ा है चल के मुकाबला कर रहा हूँ चीज़ों का। और अब आपको बताता चलूँ कि जो मेन रीज़न कि मैं ऑनलाइन भी आया हूँ तो वो ये है कि माशाल्लाह से आप लोगों का ने मेरा साथ दिया। आप लोगों ने मतलब ये है कि हालांकि मैं कोई इतना कोई वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कॉम्पिटेंट बंदा नहीं हूँ, लेकिन ये कि जो मैंने अपनी लाइफ में मेरे गुजरा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया है, शायद आप लोगों का कहीं ना कहीं काम आया हो, या आप लोगों की सपोर्ट ने माशाल्लाह इतना सपोर्ट किया कि मेरे आज माशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो इस वजह से खुशी हुई, और आप लोग मेरे लिए एक फैमिली हैं, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट फिर से ये करूंगा कि मेरे लिए दुआ लाजम करें, ठीक है। तो बाकी आप लोगों के लिए अब रेगुलर वीडियोस जो हैं मैं इंशाल्लाह लगाता रहूंगा, कुछ फूड व्लॉग्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव जो हैं तो वो वीडियोज़ मैं करता रहूँगा। और उसके लिए, उसके अलावा मैंने एक चीज़ ये सोची है कि मैं वीक में एक दिन ऐसा रखूँ जिसमें मैं लाइव आऊं और आप लाइव मेरे से क्वेश्चन कर सकें, ताकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो व्यूवर्स कर रहे होते हैं वो कमेंट में मुझसे समझ नहीं आ रहे होते, तो लाइव में ये है कि मैं बता सकता हूं कि यार फलां बंदा ये कह रहा है। तो होप्स हो कि फ्राइडे या संडे का दिन मैं रखूंगा, आप मुझे कमेंट में लाजम बताएं कि फ्राइडे को लाइव हुआ करूँ या संडे को, ताकि आपसे लोगों से मैं शेयर कर सकूँ। और आप लोगों को बताता चलूँ जॉब का, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप होम कंट्री से बैठ के किसी मुल्क में जॉब, अब आप वाइट कॉलर में हैं, अगर आप HSC के लिए कर रहे हैं तो आप वाइट कॉलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब आप लेबर कैटेगरी में नहीं हैं, उसके लिए आपका लिंक्डइन अकाउंट ज़रूरी है। लिंक्डइन दुनिया में एक वर्थी सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग जो प्लेटफॉर्म है जॉब के लिए, और आप एक अपना एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिस पे आप एक मतलब क्या कहते हैं प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो इसी तरह का जो है एम्प्लॉयर है वो भी आपके प्रोफाइल देख सकता है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस हैं, बैचलर्स है, फिर आपके सर्टिफिकेट्स आप लगा देते हैं तो उससे आपकी कॉम्पिटेंसी आपका एक पता लग जाता है। तो लिंक्डइन इज़ द बेस्ट वे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी मेरी सपोर्ट रखें, तो इंशाल्लाह अब ये है कि रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोज़ आती रहेंगी। तो बाकी कोई भी आपके जो क्वेश्चंस हैं, अब जो नेक्स्ट मेरी वीडियो है, मैंने जितने भी 2-3 महीनों में कमेंट्स आए हैं उनके मैं आंसर उस वीडियो में करूँगा। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और मेरे सपोर्ट करने का बहुत 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 शुक्रिया। तो मुझे लाजम बताएं कि फ्राइडे का दिन रखा जाए या संडे का रखा जाए, या कोई भी जो आप लोगों के लिए बेटर हो, जो कमेंट्स मुझे ज़्यादा आएंगे तो मैं उसी हिसाब से वो दिन रख लूँगा। बाकी ये है कि पाकिस्तान से या इंडिया से बैठ के आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज मैंने भी यहाँ से बैठ के ही गेम की है। और कंट्री का नेम अभी मैं नहीं बताना चाह रहा, बिकॉज उसमें कुछ है, और जब तक होगा मैं तब तक आपको कन्फर्मेशन करके बताऊंगा, और किस तरह सारा स्टेप बाय स्टेप जो है जैसे मैंने किया सारा वो मैं आप लोगों से लाजम शेयर करूंगा। और दूसरी बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज़ जिन जिन लोगों के पास मेरा ईमेल है उसमें ईमेल में ये ईमेल नहीं करेंगे मैं आप लोगों की जॉब दिलवा दूँ,
मैं जॉब दिलवाने का काम नहीं करता भाई, ठीक है? तो हाँ, अगर मेरे मेरे हो तो मैं भाई सबको लगवाऊँ, बिकॉज मैंने भी बड़ा टफ टाइम गुजारा है। तो मेरे बस में नहीं है किसी को जॉब लगवाना या किस तरह करना। हाँ, लेकिन जिस तरह मैं जॉब गेन करता हूँ, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, आप लोग भी वही करें। मेहनत से कोई किसी की जॉब नहीं लगवाता, ना ये पॉसिबल है, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ी वीडियो अच्छी रहे, और मेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स की आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो अपना ख्याल रखिएगा। फी मानेला, अल्लाह हाफिज़।